तो अब ये समोसा हम लोग टेस्ट करते हैं जो अपेरेंटली करीना कपूर को बहुत पसंद है। एट 150 रुपीज इट बेटर बी गुड। काफी टेस्टी होने वाला है ऐसा मेरे को आभास हो रहा है। 80 रुपए की 6 पानी पूरी रीजनेबल लग रहा है मुझे। हाय गाइस, सन में दिस साइड पर वेजी बाजी और अभी हम लोग हैं बांद्रा की गलियों में। आपको दिखा रहे हैं बढ़िया बढ़िया खाना जो मिलता है मुंबई में बांद्रा में। स्टार्ट कर रहे हैं पानी पूरी से। एल्को पानी पूरी इज अ फेमस स्पॉट बांद्रा में और साथ में समोसे खाएंगे, मीठा रहेगा, बहुत सारी चीज़ें रहेगी। वीडियो एंड तक देखना, यू विल थरली लव इट। पानीपुरी लेते हैं। हम लोग पहले पानी पूरी खाएंगे और फिर दही पूरी लेंगे, तब तक फिर सौगी ना हो जाना उस चक्कर में। कौन सा पानी है? टिपिकल मुंबई स्टाइल पानी पूरी है, क्रंची पूरी और ठंडा ठंडा पानी और बीच में बूंदी और दाल। बट एटलीस्ट वो है कि इसमें रगड़ा नहीं। लास्ट पीस। चीज़। एक दिल्ली वाले को मुंबई वाले की पानी पूरी समझ नहीं आती और एक मुंबई वाले को दिल्ली वाले की नहीं समझ आती। गोलगप्पा, मुंबई में जब मैं आया था ना, द फर्स्ट गुड पानी पूरी दैट आई हैड वाज एल्को की। अच्छी है। तब तो या तो ऐसा था कि दैट वाज माय फर्स्ट गुड पानी पूरी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। या ओवर द इयर्स मेरे को वो खाए भी 5-6 साल हो गए कि एल्को की क्वालिटी थोड़ी सी चेंज हो गई है, जैसे विद टाइम होती है। आज डिसेंट लगा मुझे। एक चीज़ जिसको मैं खाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ वो है इनकी दही पूरी। वही पूरी क्रिस्पी वाली, उसमें हल्का सा बटाटा, दही, चटनियाँ और मिर्ची लेके आते हैं। ये 150 के 6 पीस है, विच इज पता नहीं अब क्या बोलूँगा। ठीक है, बांद्रा है, सुपर एक्सपेंसिव पीस, बट अच्छा बनाते हैं। अच्छा, इसके अंदर भी बूंदी यहाँ पे पड़ना है, मतलब दही पूरी हो या पानी पूरी, चटनी पड़ा, बूंदी, चटनी और दही और फिर मसाला। अच्छा, पूरा चाट टाइप सा हो गया। ओके, ये प्रॉपर पूरा वो वैसे जैसे कहते हैं ना रेस्टोरेंट टाइप की चाट है। एट 150 रुपीज़ इट बेटर बी गुड। बहुत सिंपल सी चीज़ लग रही है, दो चटनियाँ, दो मसाले, दही और धनिया और सेव। पेट भर गया वो पानी पूरी खा के ना, काफ़ी हैवी थी, ज़्यादा खाली, इतनी खानी नहीं थी। चलो दही पूरी चीयर्स। ये आपकी फेवरेट है ना दही पूरी? ओके, वेरी नाइस। बहुत सही है ना पानी पूरी से बैठे मुझे लगा, और बहुत लाइट भी लग रहा है, पानी पूरी से ज्यादा लाइट लग रहा है। क्या मतलब एल्को इज द थिंग टू ट्राई वेन इन बांद्रा। चाट वाट बहुत सारी चीजें हैं पर जगह का नाम ही अगर एल्को पानी पूरी सेंटर है तो यहाँ पे दही पूरी और पानी पूरी दोनों खाने का। हम चलते हैं अपने बांद्रा फूड टूर में, आपको अगली जगह पे लेके चलते हैं। कुछ देसी खाना खाते हैं, मतलब ये भी देसी है, कुछ देसी स्नैक्स खाते हैं। बांद्रा का खाना दिखाते दिखाते अपनी अगली जगह पे आए हैं। मेरे को बताया गया ये वाले जो समोसे हैं करीना कपूर को बहुत पसंद है। इनका जो समोसा है, जगह का नाम है पंजाब स्वीट हाउस। इनसे ना हम लोगों ने एक समोसे लिए और ऐसे ही देख रहा था क्या और खाने की चीज़ है, तो टिक्की छोले भी लिए हैं। तो अब ये समोसा हम लोग टेस्ट करते हैं जो अपेरेंटली करीना कपूर को बहुत पसंद है, पंजाब स्वीट हाउस का समोसा। अभी तरुण भाई समोसा नहीं खा सकते कुछ कारण से, तो हम बाकी लोगों को खिलाएंगे। ये खाइए, सेलिब्रिटी समोसा ये। अरे ये समोसा पिक्चर में आ जाए पिक्चर हिट हो जाती है, पता है आपको? हंसी मजाक से खाना खाना अच्छा लगता है। अच्छा, आई एम एक्साइटेड टू ट्राई देयर पंजाबी टिक्की छोले, क्योंकि वैसे यहाँ पे टिक्की में रगड़ा मिलता है। रगड़ा वो क्या होता है, वो मटरा, तो यहाँ पे छोले टिक्की के साथ वो मिलता है, पर यहाँ पे छोले मिलते हैं। क्या छोले, तो अभी हमारे साथ है बड़े बाजी और एक मुंबई कर। अब विरंग भाई बताएंगे क्या एक
टिक्की छोले में, टिक्की में छोले डालने से फर्क आता है या फिर आपने खाए वैसे मुंबई में और कहीं टिक्की छोले खाए हुए हैं? खाए हुए हैं। आपको नहीं बोलना था यार, आपको नहीं बोलना था। छोले तो ठीक है यार, सिर्फ समोसे खाने थे। करीना बोल रहा हूँ समोसे अच्छे थे, टिक्की छोले पे क्यों गए आप विरांग भाई? प्राइस बहुत रीजनेबल है, दोनों चीज़ें मिला के सिर्फ 100 रुपये की पड़ी। बैंड्रा जैसी जगह में 100 रुपये, मैंने दो बार चेक किया, दोनों का प्राइस है या एक ही का है? तो बोलते नहीं दोनों का, ठीक है चलो आगे चलते हैं। अब हम लोग खाने वाले हैं ट्रेस लेचेस केक फ्रॉम मेल्टिंग मॉर्सल्स बैंड्रा में। ओके, ये केक है, इसके अंदर दूध, मतलब दूध के अंदर केक है और काफ़ी टेस्टी होने वाला है ऐसा मेरे को आभास हो रहा है। ये देखना स्ट्रीट फूड वाली वीडियो बन रही है, ऐसे रेस्टोरेंट में बैठ के खाने में ना फील नहीं आ रही, बाहर जाके खाते हैं। अब फील आ रहा है थोड़ा, 250 रुपये का केक है तो क्या हुआ, फील आना जरूरी है, फील जरूरी है। एक तो इसको हटाओ यार, ये ना बहुत सही लग रहा है, बहुत लोग इसको ना रसमलाई केक बोलते हैं पर ये एकदम अलग है ना, बहुत सही। फ्रेश लेचेस केक आजकल बहुत सुर्खियों में है, आलिया भट्ट ने कोई लंदन में बेकरी थी उसके केक की बड़ी तारीफ करी थी, एंड दैट वाज अपेरेंटली फ्रेश लेचेस केक। ब्यूटीफुल है ना ये, जेन्युइनली बहुत अच्छा भाई, बहुत सही है। बैंड्रा में मेल्टिंग मॉर्सल्स का फ्रेश लेचेस केक, यू वांट टू सी? नहीं, आई डोंट वांट। एपिक। ये एक वैसी वाली जो बेकरी है जो हर शहर में होती है, बड़ी पुरानी टाइप सी, कौन सी है? A1 बेकरी। A1 बेकरी, सेल्फ डिक्लेयर्ड A1। यहाँ पे कोई खड़े होके नहीं खाता, 90% लोग पैक करा के लेके जाते हैं, मेरे सामने सामने इतने लोग पैक करा गए। बेटा ऐसा क्यों, ये कौन सा है? घर पे खाने में मजा आता होगा। ये वेज नहीं, नहीं वेज पेटीज, वेज पेटीज, सॉरी रोल, रोल, वेज रोल, वेज रोल, रोल बोलते हैं, सब्जी सब्जी अंदर भर के। आप बचपन में खाते होगे ज्यादा? तरुण भाई का बचपन चल रहा है अभी। ओ ये सारी वो वाली सब्जियां जो घर में मना करते खाने से, है ना? बाहर का पार्ट अच्छा है, अंदर की सब्जियां, सबका अपना अपना टेस्ट होता है ना, नॉट माय कप ऑफ टी। स्कूटी से दूर, हां हमारी है माना, बट क्यों गंदी करनी? ओके किसी को ऑफ कर लेते हैं, पार्टी टेस्टिंग। आई थिंक मेरे को लग रहा है इसके अंदर भी वही सब्जी है, तभी तो कह रहा हूं एक्चुअली वही है, ये देखो। सर इसमें ना टेस्ट अलग है इसमें, क्योंकि इसमें वो ऊपर से लेयर्स आ गई ना, सब्जियां तो वही है, हां गाजर कैबेज। ये तो बिल्कुल वो लग रहा है रिफ्रेशमेंट वाला बर्गर, है ना, जो स्कूल में फंक्शन के बाद मिलता है, एनुअल डे वाला, एनुअल डे वाला बर्गर। इज बेटर, वो टिपिकल एनुअल डे वाला फंक्शन। पैटी अच्छी है ना बहुत, ये वो वाला बर्गर है जिसको माइक्रोवेव करने में मजा आता है, और इसको केचप के साथ लगा लगा के खाने में मजा आता है। ये प्री मैकडॉनल्ड्स बर्गर है, जब तक मैकडॉनल्ड्स आया नहीं था तब तक ये बर्गर सब लोग खा के इसने खुश होते थे ना, और आजकल देखो वो कितने हेल्दी भी है, सब्जियां भी इसके अंदर, हेल्दी तो कुछ नहीं है इसमें। और अब आप एप्पल पाई खाओ और मैं मावा के खाता हूँ, सॉफ्ट खुशबूदार, वो गरम है ये। ओके सिनेमम का बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू आते हुए, इसमें इलायची की बहुत प्यारी खुशबू है, इसमें सिनेमम, आई थिंक यहाँ के ना, हो क्या प्यारी खुशबू है, देख ये कैसा है, सही है, मतलब जेसी बेकरी वाला, वेरी डिसेंट, फैंसी वाला नहीं है। वहाँ पे सबसे बढ़िया चीज टू हैव इज एगलेस मावा केक, खुशबू जितनी अच्छी थी उतना अच्छा नहीं निकला, ये बेस्ट है। हमने 350 रुपये का खाना लिया, 35 रुपये का एगलेस मावा केक, दी बेस्ट, खाओ खाओ घर के लिए पैक करवा के, अब समझ आया सब पैक करवा के लेके जा रहे थे, आई थिंक यही पैक करवा के लेके जा रहे थे। पर ये बहुत पुरानी जगह है,
बांद्रा में रेवन बेकरी, वेरी वेरी पॉपुलर जैसे एरिया की बेकरी होती है, दिस वन ऑफ दोस्त। अब चलते हैं, आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में कुछ और बढ़िया खाना खाते हुए, वेज ही भाजी पे, मुंबई की दर्जी संडे स्पेशल। बाय बाय।